दोस्तों अभी की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो डीडी फ्री डिश की ओर से आ रही है। बताना चाहूंगा यहाँ पर डीडी फ्री डिश ने आप सभी के लिए एक चैनल को बंद कर दिया है, यानी हटा दिया है। अब ये चैनल कौन सा है जो कि हमारे लिए हटाया गया है और कौन से टेक्नोलॉजी में हटाया गया है, कि हमारे लिए MPEG-2 में हटाया गया है या फिर MPEG-4 में, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रही है। आपको मैं सीधा टीवी स्क्रीन की ओर ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम टीवी स्क्रीन की ओर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि शुभ टीवी पर केवल कलर बार्स ही देखने को मिल रहे हैं। सही शाम तक जो है हमारे लिए चैनल अच्छी खासा चल रहा था, लेकिन अचानक से जो है यहाँ पर कलर बार्स को रिप्लेस कर दिया गया है और अभी तक जो है EPG का नाम शुभ टीवी शो कर रहा है। तो दोस्तों 1 से 2 दिनों तक हमें इंतजार करना होगा। यदि 1 से 2 दिनों तक हमारे लिए चैनल वापसी कर जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं करता है तो समझ लीजिए कि शुभ टीवी हमारे लिए परमानेंटली हटा दिया गया है और यहाँ पर जल्द ही हमारे लिए जैसे ही ई ऑक्शन होगी MPEG-4 स्लॉट्स के लिए तो कोई ना कोई नया चैनल जरूर जुड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा जो भी हमारे डीडी फ्री डिश के MPEG-4 के उपभोक्ता हैं तो उन सभी के लिए ये खबर है, क्योंकि शुभ टीवी या फिर जितने भी MPEG-4 के चैनल्स हैं वो केवल MPEG-4 के सेटअप बॉक्स में ही देख सकते हैं। MPEG-2 ग्राहकों के लिए कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस की जा रही है वो MPEG-4 के लिए है। तो शुभ टीवी जो चैनल था वो MPEG-4 ग्राहकों के लिए मौजूद था, जिसकी फ्रिक्वेंसी 11630 वर्टिकल 34x0 थी, लेकिन अचानक से जैसे हमारा ट्रांसमिशन ऑफ कर दिया गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारे लिए कोई ना कोई चैनल यहाँ पर जरूर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम 1 से 2 दिनों का इंतजार करेंगे, कई बार तकनीकी समस्या होने के चलते भी चैनल का ट्रांसमिशन ऑफ कर दिया जाता है। तो यदि 1 से 2 दिनों के भीतर चैनल हमारे लिए वापस नहीं आता है तो समझ लीजिए कि परमानेंटली इस चैनल को हटा दिया गया है और यहाँ पर कोई ना कोई नया चैनल जरूर हमारे लिए लॉन्च किया जाएगा।